थ्री वन जा थ्री, तो थ्री वन जा थ्री वन जा ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, ये वन जा थ्री, ये कहाँ आप देखें लिखा हुआ, किसी किताब में लिखा हुआ देखें ऐसा, तो पढ़ते क्यों है इसको रियल में सभी बच्चे पर बताते भी नहीं है। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें इसका रियल मीनिंग ये है, थ्री वंस आर, थ्री वंस आर थ्री, इंग्लिश में टेबल अब पढ़ रहे हैं आप तो आपको पढ़ना थ्री वंस आर थ्री, थ्री टू, ठीक है ना, जैसे इसको टूजा बोलते हैं ना, थ्री टू आर सिक्स, थ्री थ्री आर नाइन, थ्री फोर फोर, थ्री फोर आर ट्वेल्व। रियल में इसको ऐसे पढ़ना, आप लोग क्या पढ़ते हैं, थ्री वन जा थ्री टू जा थ्री सिक्स जा थ्री फाइव जा थ्री सेवन जा। देखिए इसके लिए हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बहुत रिसर्च करके इस टाइप का एक वर्कशीट तैयार करती है, सभी को देख लीजिए दिखाई दे रही है, है ना। इस ब्लैंक्स में आपको फिल करना है टूज आर थर्टी, टूज आर थर्टी, टूज आर थर्टी फिफ्टी, फिफ्टी टूज आर थर्टी, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, वंस आर सेवेंटीन, सेवेंटीन एट्स आर वन हंड्रेड फोर्टी फोर, एटीन एट्स आर वन हंड्रेड फोर्टी फोर, इस तरह का हम आप लोग के लिए वर्कशीट तैयार किया है, ये आपको कहीं बुक में भी नहीं मिला होगा, ठीक है, ये सेल्फ क्रिएटिविटी है, तो ये खुद क्रिएट किया आप लोगों के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ बहुत ही न्यू है, बट न्यू नहीं है ये चीज, बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुरानी है। जब जब केवल का इंग्लिश में पढ़ने का बात किया गया होगा तो इसी तरह से बात किया गया होगा, लेकिन उसको धीरे 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 क्या किया गया, हम लोग गलत पढ़ते पढ़ते आज तक हम लोग गलत ही पढ़ रहे हैं। एक दिन आप लोग को और भी बताया थे कि आप लोग के क्लास में कि दूसरे क्लास में, जैसे इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, एक वर्ड है बहुत ही कॉमन वर्ड, इसको क्या पढ़ते हैं, ओनियन, जबकि गलत वर्ड है अनियन। देखो इसको बताया थे, याद है ना, कोरोना से पहले बताए थे, तीन साल पहले, ठीक है, उस क्लास में बताए थे ओनियन, जब ये थ्री में थी तो ओनियन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अनियन। और बहुत सारे आप जनरली देखेंगे बहुत सारे टीचर्स भी गलतियां पढ़ते हैं। अब देखिए कहने का मतलब है टीचर्स भी गलतियां करते हैं तो उनके भी टीचर्स जो होंगे उनको गलत ही पढ़ाया गया है, ऐसी बात नहीं है कि वो गलत पढ़ रहे हैं। इसको बोलने में क्या होता है, आसान लगता है ओनियन, ठीक है, थ्री वन जा थ्री टू जा, आसान काम सब चाहता है कि हम तुरंत कर ले, है ना, तुरंत हो गया, अब तुरंत में गलत हो गया, तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें जो है आप लोग थोड़ा सा सुधार कीजिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स आप लोग को बताते रहेंगे जिससे कि आप लोग की इस गलतियों को अगर आप लोग सुधारते हैं तभी आप लोग एक स्मार्ट बच्चे बन सकते हैं। अब देखिए स्मार्ट भी बन सकते हैं, बुआ भी बन सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक शिक्षक है, अब देखिए किन्हीं के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, कोई एक शिक्षक आप गए और उनको बोलेंगे क्या सर, थ्री वन आर थ्री, थ्री टू आर सिक्स, थ्री थ्री आर नाइन, थ्री फोर आर ट्वेल्व, वो आपको पिटाई करना स्टार्ट कर देगा, भाई गलत पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यही आप किसी, मान लीजिए कि किसी टीचर के पास गए और वो टीचर को आप बोलिएगा थ्री वन आर थ्री, थ्री टू आर सिक्स, थ्री थ्री आर नाइन, तब वो टीचर कहेंगे ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बच्चा तो सही से पढ़ रहा है, वो काफी अप्रिशिएट होंगे, आप तो बहुत खुश हो जाएंगे और आपको उसके बदले हो सकता है कुछ इनाम भी, ठीक है, कुछ प्राइज भी, तो आपको ये डिपेंड करता है। तो आपको कहीं पर ऐसा हो सकता है कि डांट भी सुनना पड़ सकता है और कहीं पर इनाम भी मिल सकता है। अब तो उससे आपको घबराना नहीं है, आगे वाले पर्सन जो है वो नहीं जानते हैं तो वो आप पर हावी होंगे। अब क्यों हावी होंगे, क्योंकि वो टीचर है कि नहीं, टीचर तुरंत हावी हो जाते हैं बच्चे पर, कभी कभी टीचर गलत किए बच्चे पर हावी, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे बच्चों का भी टीचर के प्रति विश्वास जो है थोड़ा सा मतलब उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है, ये पहले ही बोल दी हमसे उठ जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को भी अपनी गलती को समझना चाहिए और गलतियाँ सबसे होती रहती हैं, तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो करेंगे तो चलिए नेक्स्ट डे आपका संडे आने वाला है, सैटरडे संडे आ रहा है ना, कल सैटरडे है संडे है, तो इस दो दिन में कौन बच्चे सही तरीके से 2 से 20 तक टेबल हमको अच्छे से सुना देते हैं।
हम देखते हैं कौन बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसके लिए आपको और कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका ये काम हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे एट्रैक्टिव वर्कशीट निकाले हैं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई जो है बहुत ईजी हो जाए, बहुत ईजी। उसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं जिससे कि आप लोग के पढ़ाई को आसान बनाए, वेरी ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। खास करके हम उसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं। ये जो वर्कशीट जो आप लोग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए इतनी सारी वर्कशीट है, ठीक है, ये आज क्लास में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें हर तरह के वर्कशीट्स हैं, मैथ से भी है, हिंदी से भी है, इंग्लिश से भी है। देखिए जैसे कि आपके पास एक वर्कशीट है, देखिए ये वर्कशीट एक्चुअल में ऑनलाइन क्लास में आप लोग को हम करवाए हुए भी काम है, करवाए हुए हैं। ये बहुत ही ईजी है, ईजी नहीं है, बहुत ही आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में क्लू बॉक्स भी है, इस क्लू बॉक्स के हेल्प से जिस तरह से आपके बुक में रखता है ना, उस तरह से ये है, इससे हेल्प से आप उसको बनाइए। अभी ये इस वर्कशीट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इधर आपका प्री पोजिशन का है, ओके, तो इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप पकड़िए, प्रैक्टिस कीजिए एकदम, पर प्रैक्टिस करने में कमी नहीं कीजिए। जो नहीं समझ में आए उसको पूछिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। वेरी गुड। देखिए एक वर्कशीट और है, देखिए ये वर्कशीट भी आप ही लोग के लिए लाए हैं आज, खास करके क्लास फोर के बच्चे के लिए। ये है हिंदी व्याकरण क्रिया पहचान, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश फुटबॉल डैश रहा है, तो क्या कर रहा है ना, खेल रहा है। देखिए इसमें खेल वर्ड जो है वो सही बैठेगा, यहाँ पे रमेश फुटबॉल नाच रहा है नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और आपको हेल्प के लिए आपने पिक्चर भी दिया हुआ है, अगर आप कोई भी इसमें ऑप्शन देंगे रमेश फुटबॉल पढ़ रहा है, पॉसिबल है नहीं ना, वाकई देखने में लग रहा है कि वो गलत है, रमेश फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल तो खेलेगा ही बच्चा भाई, रमेश फुटबॉल नाच रहा है नहीं, रमेश फुटबॉल लिख रहा है, रमेश फुटबॉल गा रहा है, रमेश फुटबॉल खा रहा है, ये सब सुटेबल नहीं है। तो आपको इसमें से देखिए ये क्लू बॉक्स है, यहाँ से आपको सुटेबल वर्ड जो है इसमें से चुन करके और इसमें सही सही जगह पर आपको पहुँचा देना है, जिस तरह से देखिए, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। और इस साइड में आपका वही जो आपको बताए थे टेबल्स जो है इसका है, चलिए इसको भी आप लीजिए। ये दोनों वर्कशीट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और आप लोग देखिए पूरे अच्छे से उसको पढ़िए, पूरे अच्छे से बनाइए, और जितना अच्छा से आप लोग काम करके लाएंगे उतना अच्छा आप लोग सीखेंगे। आगे चलते हैं।